एमएलए बिकते हैं आपके 30-35 करोड़ में, अपने देश का सबसे ऊपर वाला दफ्तर से लेकर सबसे आखिरी दफ्तर बिका हुआ है, खरीदने वाले की औकात चाहिए, सब बिका हुआ। हाँ जी नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम और हलो आप सभी लोगों को भाई, लेके चलता हूं आपको अपने बड़े भाई अभी भाई की ओर, जो कि टीआरपी और ये अर्नब कंट्रोवर्सी के बारे में थोड़ी से अपने विचार रख रहे हैं और होलिस्टिकली बड़ी बात कर रहे हैं जो कि बड़ी गंभीर है और जरूरी है। एंड ही इज एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। आप लोग उनकी बात सुनिए, बहुत बढ़िया अभी भाई ने कहा कि ये अर्नब गोस्वामी और टीआरपी फ्रॉड निकला तो आप लोगों ने इसका इतना बड़ा हुआ बना दिया। अरे जिस देश में हमारे प्रधानमंत्री जी की एक एक बात कही गई झूठ है, फ्रॉड है इस देश के साथ, जिस देश में जब तक लड़कियों के गैंग रेप नहीं हो जाता, हड्डियां नहीं तोड़ जाती, ग्रूसम रेप एंड मर्डर नहीं हो जाता, तब तक हेडलाइंस ही नहीं बनती है उस रेप की, जिस देश में नीचे से लेकर ऊपर तक, ऊपर से लेकर नीचे तक सब भ्रष्ट भरे हुए हैं, चोर चक्के लुटेरे खूनी रेपिस्ट भर भर के, उस देश में एक टीआरपी फ्रॉड क्या निकलता है इतना बड़ा, सब लोग पत्थर चढ़ाने लगते हैं, थूकता है भारत बोलने लगते हैं, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हाँ वो जो टांडव करता था डेली, आप लोगों को उससे परेशानी है, आपको मौका मिल गया एंटरटेनमेंट का, मजा लेने का, मेम बनाने का, बनाइए। लेकिन सच ये है कि जो लार्जर जो कैनवस है भारत का और जो क्राइम ग्राफ है भारत का, भ्रष्टाचार ग्राफ है भारत का, फ्रॉड ग्राफ है भारत का, उसमें ये टीआरपी का फ्रॉड कहां मायने रखता है आप ही बताइए। क्या मायने रखता है ऐसा टीआरपी का फ्रॉड, जिस देश में एक प्रधानमंत्री है जो जब जब मुंह खोलता है झूठ निकलता है, भारत से कही गई एक एक बात उसकी भारतीयों को वो सब फ्रॉड है, वहां पे टीआरपी। अभी भाई ने ये भी कहा है कि आधे से ज्यादा लोगों को तो टीआरपी का मतलब भी नहीं पता है लेकिन मेम बनाए चले हैं। तो भाइयों मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स और पैरामीटर्स सिस्टम। जी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स और टेलीविजन रेटिंग्स पैरामीटर्स सिस्टम, मीनिंग इस पैरामीटर पे, इस पॉइंट सिस्टम पे रेट किया जाता है कि कौन सा चैनल कितना पॉपुलर है, उसको क्या रेटिंग मिलनी चाहिए, कितना चल रहा है कितना नहीं चल रहा है। और जरूर ये टीआरपी को मैनेज किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है। जैसे खबर आ रही है अर्नब के केस पे कि अर्नब ने जहां जहां मीटर लगे थे कह दिया गया कि हमारा चैनल ऑन करके चले जाइए, घूमने जाइए, बस चैनल ऑन रहे, इस प्रकार से मैनिपुलेट किया। लेकिन कौन बड़ी बात कर दी, कोई रेप किया, मर्डर किया, डकैती कर दी उसने, कोई टेरर एक्टिविटी कर दी कि आप सब लोग पूरा भारत आज थूकता है भारत कर रहा है। हाँ उस देश में जहां ऊपर से नीचे तक सब भ्रष्ट चोर चक्के निकम्मे खूनी हत्यारे डकैत रेपिस्ट भरे हुए हैं, फ्रॉम टॉप टू बॉटम सब कुछ झूठ है, सब कुछ फरेब है, सब कुछ फ्रॉड है, आए दिन हर एक भारतीय के साथ, एक एक भारत सरकार का नेता, भारत सरकार का बाबू, ये क्रोनी कैपिटलिस्ट ये डेली भ्रष्टाचार करते हैं। और अर्नब के टीआरपी फ्रॉड से 1,00,000 गुना बड़ा वाला भ्रष्टाचार। अभी भाई ने एक बहुत बड़ी बात करी, यही कि जब तक भारत में गैंग रेप ना हो, लड़की को मार ना दिया जाए, बुरी तरीके से जला ना दिया जाए, एक ग्रूसम रेप हत्याकांड का केस ना हो, तब तक तो हेडलाइन ही नहीं बनती है इस देश में। मैं कहते आया हूं भाई 100 रेप भारत में डेली के होते हैं, 35,000 रेप साल के होते हैं, लेकिन मीडिया और आप लोगों की नींद जगती है जब एक निर्भया कांड होता है, एक हमारी यूपी की निर्भया बेटी का कांड होता है, तब आप लोग नींद से जगते हैं।
आज अर्नब मिला है, एंटरटेनमेंट मिल गई है, दो तीन दिन सब थूकता है भारत, थूकता है भारत, मूतता है भारत, करते रहेंगे, अर्नब की खिल्ली उड़ाएंगे। क्यों? क्योंकि अर्नब इस ये भ्रष्टाचारों की जो मीडिया की जो कौम है, ये जो भ्रष्ट मीडिया की जो कौम है, सोल्ड मीडिया की कौम है, उसका नंबर वन सरदार बन गया था, लीडर बन गया था। तो अब सबको मौका मिला है कि अर्नब के खिलाफ कुछ बोलने को मिला है तो थूकता है भारत, मूतता है भारत, खींचो इसको, गिराओ इसको, इसी को मारो। बाकी अन्य नेता बाबू लोग जो सरकार में बैठे हैं, चला रहे हैं, जो डेली आपके साथ फ्रॉड कर रहे हैं, उनका तो आप लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, तो इसी पे थूकता है भारत कर दीजिए। ये बहुत बड़ी बात है, सोचने की बात है। जिस देश में नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे तक सब कुछ फ्रॉड हो रहा है भारतीयों के साथ, वहां ये टीआरपी अर्नब का फ्रॉड कुछ नहीं है, एक एंटरटेनमेंट है आप लोगों के लिए दो से तीन दिन की, कल कोई दूसरी स्टोरी मिलेगी। जो हमारी यूपी की निर्भया हमारी बेटी के साथ जो हुआ, उसको क्या न्याय मिलेगा कि अब अर्नब में ही लग जाएंगे, आप लोग बताइए। आज हमको किन्हीं ने भेजा कि लड़की का नाम नहीं मेंशन किया जाए, आजकल ऑफेंस है, हमको बताया जा रहा, हमको अनुपम त्रिपाठी को, हमने स्माइल कर दिया मन ही मन, हमने कहा लड़की का जो रेप हुआ वो ऑफेंस नहीं था, गैंगरेप हुआ ऑफेंस नहीं था, जला दिया गया उसको पुलिस के माध्यम से बिना पेरेंट्स के कंसेंट के, वो भी आधी रात में, वो ऑफेंस नहीं था, राजनीति उसके नाम पे हो रही है, वो ऑफेंस नहीं है, पता नहीं बच्ची को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो ऑफेंस नहीं है, उसके आगे बराबर रेप होते जा रहे हैं, वो सब ऑफेंस नहीं है भाई। लेकिन बुद्धिजीवी लोग हैं जो अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के तीन लाइन लिखते जरूर हैं कि वो नाम नहीं मेंशन करिए, वो ऑफेंस है। तो जानकारी के लिए बता दूं, जब रेप विक्टिम अलाइव होती है उसका नाम लेना ऑफेंस होता है, डेथ के बाद नाम लेना ऑफेंस नहीं होता है, और उसके पीछे भी नाम के संदर्भ में लिया गया है वगैरह वगैरह, आप कौन है और क्या कॉन्टेक्स्ट है, आगे और पीछे की स्टोरी भी मैटर करती है। हम लोग वो लोग हैं जो इस पीड़ित के लिए बराबर आवाज उठा रहे हैं, नॉट एज जर्नलिस्ट बट एज एक्टिविस्ट, और पीड़ित के परिवार से जाके हम लोग मिल भी चुके हैं। हमको ना बताया जाए कानूनन ज्ञान क्या, रेप इस कंट्री में ऑफेंस नहीं है, गैंग रेप ऑफेंस नहीं है, मर्डर ऑफेंस नहीं है, पूरा बिका हुआ सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफेंस नहीं है, लेकिन नाम कहीं किसी ने सुन लिया लिया हुआ। अरे फिर ले रहे हैं मनीषा, ये भी नाम रखा गया है मीडिया के माध्यम से, जैसे निर्भया, उसका असली नाम निर्भया थोड़ी ना था भाई, इसमें कोई ऑफेंस नहीं है टेक्निकली लीगली किसी भी तरीके से। आप लोग जो लार्जर चीज होती है ना, जो एक्चुअल चीज होती है, उस पर फोकस किया करिए, ये भटकाने वाली चीजों के चक्कर बिना पड़ा करिए। अर्नब का टीआरपी फ्रॉड नहीं जरूरी है, मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि उस बच्ची को, हमारी यूपी की निर्भया को जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बस बहुत बोल गया, भटक गया, दिखाने आया था अभी भाई की बात, अपनी बात लेके चालू हो गया, ओवर टू अभी भाई। बिल्कुल हैरानी नहीं हुई जब ये टीआरपी बिकती है कि स्टोरी आई। अपने देश में तो एंटरटेनमेंट की जरूरत होती है भाई, उन लोगों के वीडियो बड़े वायरल होते हैं जो गाली गलौज करते हैं, आप लोगों को पसंद है गाली गलौज तो उनके वीडियो वायरल होते हैं। अपने देश में तो हर चीज बिका हुआ है, इसमें टीआरपी बिक रही है, इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, इसमें इतना क्यों हैरान हो रहे हो आप लोग। एमएलए बिकते हैं आपके 30-35 करोड़ में, अपने देश का सबसे ऊपर वाला दफ्तर से लेकर सबसे आखिरी दफ्तर बिका हुआ है, खरीदने वाले की औकात चाहिए, सब बिका हुआ है अपने देश में, सारे के सारे रेलवे नेटवर्क हो गए, जितने भी ये जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट्स ने बनाया चीजें वो सब बिकाऊ है, रेलवे स्टेशन बिक गए, एयरपोर्ट बिक गए, तो टीआरपी बिक रही है, इसमें इतना हल्ला क्यों कर रहे हो? मालूम है असली बात क्या है? सुनो, तुम लोगों को सबको एंटरटेनमेंट पसंद है, समाधान नहीं। सबको एंटरटेनमेंट पसंद है, समाधान नहीं, गारंटी कर देता हूं। मैंने कई बार कहा है ना, कीचड़ वहीं का वहीं है,
कीचड़ साफ नहीं होगा। अभी दो चार दिन एक दूसरे चैनल अपने पे कीचड़ फेंकेंगे। ये सब दलाली कर रहे हैं, सब के सब। कोई किसी की दलाली कर रहा है क्योंकि वो नहीं बोलेगा, क्योंकि वो आपकी पार्टी की विचारधारा, आपकी पार्टी है, आप क्यों बोलोगे। अब समझो कि एनडीटीवी है, वो समझते हैं प्रो कांग्रेस है, तो जितने कांग्रेस वाले हैं कभी एनडीटीवी को नहीं बोलेंगे कुछ भी। रिपब्लिक जो सब समझते हैं कि ये वर्तमान सरकार का चैनल है, तो जो उस सरकार को अभी आज की तारीख में सपोर्टर है वो कभी रिपब्लिक चैनल को। तो अपने अपने डिफेंड करते हो आप लोग, अपनी गलतियों को डिफेंड करने की आदत हो गई है। जैसे अपना कीचड़ नहीं देखना, दूसरे ही गिरेबान में डुबकी लगा के उसका कीचड़ दिखा देना, भाई तेरा कीचड़ है। इसीलिए मैं अपने देश में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती। बलात्कार के लिए मैं पिछले 6 साल से बोलता हूं और घिनौने होते जाएंगे, क्योंकि आप लोग बलात्कार में हिंदू मुसलमान ढूंढ लेते हो, सरकारें ढूंढ लेते हो। अभी देखिए यूपी में हुआ बलात्कार हाथरस में, तो अगर हाथरस वाले के बारे में कहते हैं तो बोलते हैं राजस्थान में जाके कांग्रेस सरकार का बलात्कार, तो बलात्कार है। किसी महिला से तो पूछो जिसका बलात्कार हो गया और वो जिंदा बच गई। अब मजे की बात एक और है, जो महिला का बलात्कार होता है और वो जिंदा बच जाती है उसकी तो कोई बात ही नहीं करता। मतलब जब तक बलात्कार में उसको जला नहीं जाए, उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं तोड़ दी जाए, उसके अंदर सरिया नहीं डाल दी जाए, तब तक तो आप लोगों को रियलाइज ही नहीं होता कि बलात्कार हुआ है। सही बात है ना। तो ये जो अभी टीआरपी का ये ना आप लोगों का एंटरटेनमेंट ये चलेगा, भाई 5 दिन आपको एंटरटेनमेंट चाहिए होता है ना, 2 दिन तो कपिल शर्मा का शो आ जाता है, फिर बाकी के 5 दिन क्या करेंगे, 9 बजे बाद कोई काम ही नहीं है, तो वो एंटरटेनमेंट चाहिए। तो आप लोगों ने सबने अपने बना रखे हैं गुट, जिसको मैं बोलता हूं डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ इंडिया हो आप लोग, कोई यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया नहीं हो ही नहीं सकते, क्योंकि हिंदू को मुसलमान दिख रहा है, मुसलमान को हिंदू दिख रहा है। प्रॉब्लम किसी को नहीं दिख रही और ना दिखने वाली है, आप लोगों के पास वो नजर ही नहीं है और ना आप लोगों के नेताओं के पास वो नजर है। ऊटपटांग बयान, ऊटपटांग एंकर, सब अपनी अपनी दुकान चला रहे हैं। गनीमत है यूट्यूब का, जो कुछ लोगों की वजह से उनका घर चल रहा है, नहीं तो अगर यूट्यूब भी बंद कर दे हिंदुस्तान में तो कई लोगों के तो घर चलना बंद हो जाए। भाई मैं सही बात बता रहा हूं, ठीक है, ये फैक्ट है ये बात। अब आप लोग एंटरटेनमेंट करिए 2-5 दिन। इधर से रवीश कुमार साहब किसी के फेवरेट, इधर से अर्णब गोस्वामी किसी के फेवरेट, समाधान कभी नहीं निकलने वाला। टीआरपी का नहीं आप लोग भूल जाओगे, 70% लोगों को तो टीआरपी का फुल फॉर्म नहीं पता कि टीआरपी कहते किसको हैं, टीआरपी का फुल फॉर्म क्या है, और वो ज्ञान बांटेंगे, वो ज्ञान बांटेंगे। हमारे देश में क्या है कि हर नुक्कड़ पे ज्ञानेश्वर बड़े मिलते हैं, जो ज्ञान देते हैं बड़े जबरदस्त। जब इनकी प्रोफाइल पे जाके देखते हो ना तो समझ में आ जाता है कितने बड़े ज्ञानेश्वर है, वे बड़े मजे की बात है। बाकी एंटरटेनमेंट करते रहिए, बलात्कार होते रहेंगे। जब आप अभी सो रहे थे ना तब भी बलात्कार हो रहे थे हिंदुस्तान में, घिनौने नहीं थे ना, इसलिए आप लोगों को पता नहीं है, घिनौने नहीं थे, वो जिंदा बच गई बेचारी, इसलिए नहीं। किसान आज भी वहीं पे है। मगर आप लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, आप लोगों का जो सोच है उसको कहीं से भी किसी भी तरफ लेके जाना चुटकी का काम है, किसी भी नेता का, कोई भी कर सकता है इसमें, ठीक है ना। अब आप बिहार में देखिएगा आप लोग कितने कितने क्रिमिनल चलोगे, खुद की पांव पे कुल्हाड़ी मारने की आप लोगों का जन्म सिद्ध अधिकार है और आप लोगों की आदत हो चुकी है, ठीक है। अभी मुझे पता लगा है कि बेगूसराय के अंदर जो जेडीयू ने जिनको टिकट दी है महिला की, शी इज अ क्रिमिनल, उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। बोले आप लोग उसको जिता दोगे और फिर रोना रहोगे कि 30 साल से तो बिहार में लॉकडाउन था। लॉकडाउन आपके दिमाग में है, यहां से जब तक आपका दिमाग का लॉकडाउन नहीं हटेगा ना तब तक हिंदुस्तान के अंदर, अपने देश के अंदर कोई समाधान निकल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बात है। बाकी मजे करिए टीआरपी के, अभी ये खेल चलेगा, एंटरटेनमेंट होएगा आप लोगों का, ठीक है। जय हिंद। हाँ जी, देखा आपने, तो भाइयों बता देता हूं फिर आप लोगों की जानकारी के लिए, टीआरपी का मतलब होता है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स और टेलीविजन रेटिंग पैरामीटर्स सिस्टम, ठीक है जी। बाकी जो अभी भाई ने कहा बिल्कुल सही कहा, मैं उनसे हर चीज से अग्री करता हूं और सही कह रहे हैं, एंटरटेनमेंट है आप लोगों के लिए। 2 दिन के आपको भी मौका मिला अपनी भड़ास निकालने के लिए अर्णब गोस्वामी के खिलाफ। अरे भड़ास निकालनी है उसके खिलाफ निकालिए, जो 7 साल से जब मुंह खोलता है झूठ बोलवाए, इस पूरे देश के 137 करोड़ भारतीयों के साथ फ्रॉड कर रहा है। आए दिन फ्रॉड कहना है तो भारत सरकार को कहिए, जिसने लॉकडाउन के दौरान पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई अपने फ्रॉड कर करके।
ये क्या ऐरा गैरा नथुक खैरा अर्नब गोस्वामी को लेके चल गए, इसमें भी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। अरे बाकी चैनल वालों की सड़ती है, उन्होंने नहीं इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी होगी। मुंबई पुलिस तो गुस्सा खाई हुई है, उनको मिल गया कुछ करने को, अब आप लोगों को मिल गया थूकता है भारत करने को। अरे जो बेटी हमारी यूपी की निर्भया है उसको जस्टिस दिलाइए, उसके लिए आवाज उठाइए। और जो आदमी जब मुंह खोलता है पिछले 7 साल से भारत में फ्रॉड कर रहा है आप लोगों के साथ, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। अर्नब गोस्वामी इज अ लिटिल फ्लाई इन द होल लार्जर कैनवस ऑफ द फ्रॉड इन भारत। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूं, आशा करता हूं पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, कोई सवाल हो कमेंट में पूछ लीजिएगा। आज भी हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। भारत आर्मी से जुड़िए, एक बेहतर भारत बनाएं। व्हाट्सएप करिए 9899874982 पर, अपना शुभ नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम लिख के भेजिए और बताइए ऐसा क्या है पिछले 7 साल की भारत सरकार में, मोदी सरकार में, जो आप बदलना चाहते हैं और भारत आर्मी से जुड़ना चाहते हैं। स्वागत है आपका। जनता पार्टी का जो जुमला चले आ रहा है 7 साल से, और जो आपकी जेब खाली हो गई है और जेब में अब रेत बन दी है भारतीय जनता पार्टी ने, उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए और भारतीय जनता पार्टी की टांग खींच करके 2024 में इनको गिराने की और तब तक हर स्टेट के इलेक्शन में इनको गिराने की हमारी मुहिम में जुड़ने के लिए क्यों जुड़ना चाहते हैं बताएं, आप ही बताएं। क्या ये कारण है कि और भी कारण है बताएं जरूर। आपका स्वागत है भारत आर्मी में। आज ही संपर्क करें, व्हाट्सएप करें 9899874982 पे। इसके अलावा भाई और बहनों, जैसा आप लोग जानते हैं मेरी संस्था FFAR इंडिया बराबर देश के लिए अन्य मुहिम चलाती है, कैंपेन चलाती है। अगर आप मेरी संस्था FFAR इंडिया की मदद करना चाहते हैं आर्थिक रूप से, तो ये पेटीएम नंबर आ रहा होगा, इंटरनेट बैंकिंग डिटेल्स आ रही होंगी, नीचे लिंक में दिया होगा हमारा पेपाल लिंक भी, और डिस्क्रिप्शन में भी डिटेल्स है, बैंकिंग डिटेल्स, पेपाल लिंक, पेटीएम नंबर वगैरह, आप वो सब देख सकते हैं, आर्थिक सहायता हमें भेज सकते हैं। जो भी आप सहायता भेजेंगे उससे कुछ मदद ही होगी हमारी। अगर आप खुद डायरेक्टली भारत के लिए अच्छा काम नहीं कर पाते क्योंकि आप बिजी हैं अपने डेली के काम में, करियर में, लाइफ में, तो आप जरूर हमें कॉन्ट्रीब्यूट करके हमारी मदद कर सकते हैं। एक चीज आप हमेशा वेस्ट अशोर्ड भाई कि जो भी एक नया रुपया भी आप जो हमें भेजेंगे वो भारत के ही प्रति हमारी मुहिम में लगेगा और कुछ उससे भारत का बेहतरी होगी। इसके अलावा ये भी बताना चाहता हूं कि मेरी संस्था FFAR इंडिया एक 100% चैरिटी है, 12AA रजिस्टर्ड है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, और जो भी आप हमें चंदा देते हैं उसमें 50% तक आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है क्योंकि मेरी संस्था के पास 80G का टैक्स सर्टिफिकेट है, क्लियरेंस है। इसके अलावा मेरी संस्था CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी क्वालिफाई करती है, तो अगर आप लोग CSR के माध्यम से मेरी संस्था को, जो मैंडेटरी है आपको कुछ देना, दान देना, वो भी आप देना चाहें तो आप दे सकते हैं, स्वागत है आपका। बस इतना ध्यान रखें कि बहुत सारी संस्थाएं CSR के माध्यम से किकबैक्स वगैरह पैसा देती हैं कैश वगैरह में, हमारे यहाँ इस किस्म का कभी रिक्वेस्ट नहीं करिएगा क्योंकि आपको पता है अगर थोड़ा भी मुझे जाने हैं तो इस किस्म की हम काम करते नहीं है। आप बेशक हमें CSR ना दें लेकिन अगर CSR देंगे तो ये नहीं सोचिएगा कि कैश में हम आपको रिटर्न करेंगे। जो बहुत सारी ये फर्जी झूठे निकम्मे NGOs करते हैं सब बेमान है जिन्होंने दुकान खोली हुई है CSR के नाम पे, और आप लोग बेमान है जो कॉर्पोरेट्स हैं जो 2% CSR भी करते हैं जो मैंडेटरी है उसमें भी किकबैक लेके 90% वापस पैसा ले लेते हैं, 10% NGO के पास रहने देते हैं। कल उस NGO के जो है पेपर्स वगैरह की छानबीन होती है, उस रिव्यू में जाता है, उसका सर्टिफिकेट छिन जाता है, लेकिन ये NGOs भी इतने बेवकूफ हैं कि पैसा ले लेते हैं बहुत सारे, हाँ, और इस उसमें उस लालच में कि 10% तो मिला, कुछ तो मिला, और ये नहीं समझते कि आगे जाके उनका सर्टिफिकेट छिन जाएगा, नाम खराब हो जाएगा। भाइयों देखिए ऐसा है, आप अगर बेमान है तो ना भारत आर्मी से जुड़िएगा ना मुझे 1 रुपया भेजिएगा। आप अगर ईमानदार है और बेहतर भारत चाहते हैं तभी मेरी संस्था को भी पैसा भेजिए और भारत आर्मी से जुड़िए। बड़ी सीधी सी बात है, बेईमानी हो तो बीजेपी ज्वाइन का हो ना, हाँ, बेईमान भारत पार्टी, बेईमान जनता पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लो, बेईमान जनता पार्टी को ज्वाइन कर लो अगर बेईमानी हो। भारत आर्मी से जुड़े अगर आप ईमानदार हैं और भारत अच्छा भारत चाहते हैं, और मेरी संस्था को भी अगर 1 नया रुपया भेजे तो बेईमानी का नहीं होना चाहिए भाई साहब, नहीं तो नहीं चाहिए मुझे। आप 1 करोड़ रुपया भेज दीजिएगा, बेईमानी का है मुझे नहीं चाहिए भाई साहब। आपका बेईमानी का जो है ना, आप 1 करोड़ रुपया भेजेंगे मेरा यहां ईमानदारी का 10 रुपया भी नहीं बचेगा फिर, अगर आपका मैंने खाना शुरू कर दिया तो।
तो ना करें। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वालों को भी कहना चाहता हूं, कुछ कॉर्पोरेट्स हैं मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा, वो अप्रोच करते हैं हमें कि साहब आपके यहां हम लोग लगाते हैं, अगर 50 लाख रुपया लगाएं तो ऐसा करिएगा 5 लाख रख लीजिएगा, 45 लाख कैश में रिटर्न करेंगे। करेंगे क्या? और फिर नाम भी लेते, ये वाला एनजीओ तो करता है, ये वाला एनजीओ तो करता है। हमने कहा भाई साहब वो करते होंगे, मैं अनुपम त्रिपाठी हूं, ना इस किस्म की रिक्वेस्ट करिएगा फिर से, ठीक है ना, हम ऐसा काम करेंगे। तो ये जगह ध्यान रखिएगा, आप सीएसआर करते हैं 2% हमारे में डालते हैं, जितना भी डालते हैं डोंट एक्सपेक्ट एनी किक बैक। 5 रुपया आपको मैं कैश में रिटर्न नहीं करने वाला हूं, जो बाकी चोर एनजीओ करते हैं और वो करते आ रहे हैं, उनके बड़े बड़े नाम है। हम ये सब काम नहीं करते ना करेंगे, ना आज करूंगा ना कल करता था ना परसों करने वाला हूं, ध्यान रखिएगा ये सब। कुछ लोग कहते हैं सर आजकल यही समझदारी है, ये समझदारी नहीं, यही चोरी है, यही चोरी है। इसीलिए आज भारत के 98% की जेब खाली है और 2% जो है कमा रहा है, क्योंकि यही 2% इस किस्म के कांड करते रहता है, हर लेवल पे चोरी करते हैं आप लोग, होने नहीं दूंगा। भारत आर्मी से जुड़िए, लेकिन याद रखिएगा ईमान साफ रहे, वरना आप जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लीजिए आप, अगर चोर नहीं है तो ही भारत आर्मी से जुड़िए, और हमें 1 नया रुपया भी भेजिए तो चोरी का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखें। जय हिंद जय भारत।